name is Nisba Khatun. My topic is traffic light. ये traffic 1868 में लंदन में ये बना था और 10 दिसंबर को ये रेड वाला बोलता है स्टॉप होने को, सारी वाहनें स्टॉप हो जाए, और ये एम्बर कलर बोलता है बी रेडी, और ये गो का मतलब है गो, मतलब कि ग्रीन का मतलब है गो, सारी वाहनें चली है। इससे बहुत हमको फ़ायदा मिलता है कि हम अच्छे से रोड क्रॉसिंग कर लेते हैं। We made a mopping robot. So, ये रोबोट का काम ये है कि ये वेट फ्लोर जो होता है उसको वेट फ्लोर उसको ये साफ करता है। तो हम लोग ने ये बनाया है, हमारे पूरे ग्रुप ने, ये वेट फ्लोर जो होता है गीला फर्श उसको साफ करता है, और जो ये और सारे वैक्यूमिंग करता है, स्क्रीमिंग करता है, वेट फ्लोर करता है। तो ये काम करता है, यहाँ से जो होता है ये जो यहीं से ये साफ होता है, ये जो वाइट वाला है ये जी। गुड मॉर्निंग, आई एम अर्फिया खातून, आई स्टडी इन क्लास 8 फ्रॉम इस्लामिक नर्सरी गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल। कहीं पर ही बारिश हो जाती है, पता ही नहीं चलता कब शुरू हो जाती है। ये ऊपर इतना पानी जाता कैसे होगा? क्या कोई पाइप लगाया जाता होगा कि बकेट बाल्टियों में भर के जाते हैं? पता नहीं ऊपर इतना पानी जाता कैसे होगा, सोचा है कभी आपने? तो सोचिए, और आज आपको पता चलेगा ये पानी ऊपर जाता कैसे है। सो दिस इज ओनली वी आर गोइंग टू लर्न टूडे। यही आज हम सब कुछ जानेंगे कि पानी ऊपर जाता कैसे है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चले जाता है। इसका मतलब ये एक साइकिल होती है, एंड दिस इज ओनली वाटर साइकिल। एक व्हील कैसे घूमता है? व्हील घूमते जाता है, साइकिल आगे बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले वाटर साइकिल में वाटर मीन्स पानी, साइकिल मीन्स वाटर की साइकिल। इसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, राइट? वाटर साइकिल इन्वॉल्व दीज थ्री प्रोसीजर्स। कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, मीन्स वाटर का वेपर, मीन्स भाप में कन्वर्ट होना। दिस इवेपोरेशन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। इवेपोरेशन के बाद जो बोला जाता है वो हमारा कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है? अगेन द कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड, फिर से वेपर का लिक्विड बनना। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड आता है वो आता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स नीचे वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में गिरना। अब ये तीनों वर्ड का मीनिंग तो पता चल गया, अब ये तीनों वर्ड मिलकर साइकिल कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले होता क्या है? अर्थ पे कहीं पर ही पानी होता है, एनीथिंग्स लेक, रिवर, रिजर्वॉयर, कुछ भी नदी तालाब जहाँ में पानी होता है। ड्यू टू द हीट ऑफ द सन द वाटर इन द वाटर बॉडी गेट्स इवेपोरेटेड। सूर्य मीन सन की गर्मी की वजह से जो पानी होता है अर्थ पे कहीं पर भी इवेपोरेट होने लगता है। तो इवेपोरेशन क्या हुआ? द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। सन की हीट का वाटर किसमें कन्वर्ट हो गया? वेपर के फॉर्म में, और वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। उसके बाद जब वो ऊपर पहुंच जाएगा तो कंडेंसेशन होगा। अभी क्या हुआ? वाटर गर्म गर्म वाटर वेपर बन के ऊपर जाने लगा। जब वो ऊपर पहुंचेगा तो वो ठंडा होगा, वो कूल डाउन होता है। तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वाटर ड्रॉपलेट में, क्योंकि एक्चुअली वो तो वाटर ही था। वाटर किसमें कन्वर्ट हो गया था? वेपर में। वेपर फिर से लिक्विड बन गया। तो हमारा कौन सा प्रोसीजर हो गया? कंडेंसेशन का। तो उन वाटर ड्रॉपलेट मिलकर क्या बनाया? क्लाउड बना। जो क्लाउड हमें स्काई में दिखते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं? पानी की छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट, पानी की छोटी छोटी बूंदे। जब बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठी हो जाती है तो वो क्लाउड बनाती है। जब वो क्लाउड भर जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट से, जब वो हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, जो वाटर उनमें एक्यूमुलेट हो जाता है, जब उनको होल्ड नहीं कर पाते तो वो उनको नीचे ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं। और वही वाटर कभी रेनफॉल मीन्स बारिश के फॉर्म में, कभी हेल मीन्स ओलो के फॉर्म में, कभी स्नो के फॉर्म में नीचे गिरने लगता है। That's why this is known as water cycle. The water cycle is an environmental phenomenon that consists of these three processes: evaporation, condensation, and precipitation. Thank you. Good morning, everyone. My name is Umme Abiba. I'm studying class 7 from Islamic Nursery Girls Junior High School. This is the model of Isidrin. Today, I'm going to explain Isidrin. The environment is being polluted continuously due to release of gases. Carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, etc. from the factories and from the decaying substances, and get mixed up with water vapor and make H2SO4 and HNO3. And when rainfall occur in nearby area, the water also contain H2SO4 and HNO3 along with it. So we called it acid rain. Acid rain not only damage forest and lakes, but also many building materials, including steel, paint, cement, and rocks like marble and limestone. जो एसिड रेन होती है वो हमारी बिल्डिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है।
इसी दिन फैक्ट्री से और व्हीकल से निकलने वाली जो पोल्यूशन होती है, जो गैसेस होती है, वो वाटर वेपर में मिक्स होके और इसी रेन का वो फॉर्म ले लेती है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है बिल्डिंग्स के लिए। और ये एक वर्किंग मॉडल है। My name is Aradha Gupta from Class 6 Nawal National Academy. My project name is Human Anatomy System. This is circulatory system. Circulatory system is a transport system that continuously supplies the useful materials and removes the waste from the body cells. The main function of circulatory system is blood vessels, heart and blood. This is muscles. The muscles make up nearly half of the body weight. There are 650 muscles in human body. There are three different types of muscles. First, skeletal muscles. The muscles that are attached in skeleton is called skeletal muscles. Second, smooth muscles. The muscles that are not in our control is called smooth muscles. Third, cardiac muscles. The muscles that are present in heart is called cardiac muscles. This is ribcage. The ribs are curved, thin and flat bones that form a protective case around the organ in the human body. It arranged in 24 bones in 12 pairs. The first 7 pairs of bones are called true rib. The next 3 pairs of bones are called false rib. And the last 2 pairs of bones are called floating ribs. This is lungs. The lungs are primary organ of the respiratory system. A human body has 2 lungs. This is liver. The liver is the largest solid organ in human body. The liver is meaty organ that sits on the right side of the belly. The liver is a reddish brown in color. This is large and small intestine. Small intestine is larger than the large intestine. This is heart. Heart is the most important organ of the circulatory system. It is a muscular organ. The size of the heart will be roughly the size of our fist. Heart is located in the chest cavity. This is kidney. The function of the kidney is to filtration of blood and urine. This is brain. The brain is the most important organ. It controls all the body system and organs. Thank you. My name is Abdul Wahab. I study in class 5. Today I have made model of balanced diet. जो हम खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल्स होता है। पांच तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है, जिससे हमारा शरीर ताकतवर बनता है। सर ये वो लेजर लाइट लेजर सिक्योरिटी होम है सर, इसको मतलब जैसे कोई अंदर आएगा तो ये आवाज़ करने लगेगा अलार्म। सर ये वाटर डिटेक्टर है, इसमें वाटर जाएगा तो ये अलार्म बजाता है यहाँ से। वाटर पड़ेगा तो ये अलार्म बजाएगा। वाटर सैनिटेशन मतलब ये गंदे पानी और साफ पानी को बताता है। जैसे अगर गंदा पानी रहेगा तो इस पे डिस्प्ले पे डर्टी वाटर दिखाएगा, और जब क्लीन वाटर रहेगा तो क्लीन दिखाएगा। इसका यूज़ बड़े बड़े टंकियों में करने से समय समय पर टंकी को साफ किया जा सकता है, ताकि जिन घरों में सप्लाई का पानी जाता है वो लोग स्वच्छ जल को पी सके। लेकिन डांस करता है, बोल लाइट भी जलती आग में, लेकिन रिचार्ज हो चुका है। डांस बहुत अच्छा करता है, पावर बढ़ती जाएगी।
ये हमने वेस्ट मटेरियल से रिपोर्ट कार्ड बनाई है, ये घर पे हमारे कबाड़ में पड़ा था वो सब चीज, और ये गत्ते का बनाए हम ये छत्ती उत्ती सब। और ये भी बनाए थे, इससे चाकू आप तेज कर सकते हैं, इसको निकाल लो। और आप कुछ हल्की चीज काट भी सकते हैं। ये मैंने नमक और पानी से बिजली इलेक्ट्रॉनिक पैदा किया है, इसमें पानी लेना है और नमक डालना है और दोनों को घोल देना है, दोनों में ऐसे ही रहेगा, दो वायर निकालना है और एक बार ये डायोड में ना ये करंट को अटैच करता है जी। और ये डीसी मोटर जब नाचती है हल्का करंट आता है तो उसका हल्का पावर इसमें जा रहा है, तो हल्का हल्का नाच रहा है वही पावर तेज हो जा रही है, बहुत तेज नाच रहा है। और देखिए पावर जितना चाहे आप उतना तेज कर लें, और जैसे घर में कोई भी लाइट लगी रहे आप इसको जला सकते हैं, ये देखिए इसे जल सकती है। और इससे आप धार भी तेज कर सकते हैं, कोई चाकू आपको रहे जैसे चाकू है देखिए धार तेज हो सकती है। और आपको अगर यकीन नहीं हो रहा मैं इसे खोल के दिखा देता हूँ, ये देखिए माय नेम इज मोहम्मद जैद खान, मैं चंद्रयान वर्किंग मॉडल सर। Hello, my name is Sayed Muhammad Abdullah and I am today making blind glasses. Sir, this glasses is for going to bank and other etc. Sir, when the when object and come, then IR sensor will detect and pass through current to buzzer that can alert. सर ये देखिए जैसे अगर मान लीजिए यहाँ आ रहा है ऑब्जेक्ट है तो ये बजर बज रहा है इसका, यही काम ये करेगा इन बैंक में। और ये सर रिचार्जेबल है, मतलब आप इसको चार्ज कर सकते हैं फॉर 20 मिनट्स। माय नेम इज मोहम्मद उमैर। सर ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय वेस्ट मटेरियल है, इससे जैसे हम लोग घरों का जितना वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम लोग जला के इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सोलर पैनल के थ्रू, जैसे कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी बैटरी में स्टोर हो जाएगी, बाकी इसका जो पॉल्यूशन रहेगा वो पानी में जाके डायरेक्ट कार्बन जितना रहेगा इसमें मिल जाएगा पानी में, उसको फिल्टर करके हम लोग पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, बाकी इसके जो अप्लाइंसेस रहेगा वो ऐसे इससे चल जाएगा बैटरी के थ्रू। सर मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ सर, मेरा नाम सूरज यादव है सर, मैंने प्रोजेक्ट बनाया है MG इंटर कॉलेज में सर, जब सर लाइट चली जाती है तो उसे सर सोलर से चलाने के लिए। सर देखिए सर लाइट चली गई तो सर इसे सोलर से सर चलने के लिए सर सोलर देखिए सर धूप से चलेगा सर, सर इलेक्ट्रिसिटी बचत होगा सर। सर यही बनाया प्रोजेक्ट सर मैंने, यस सर। सर ये ह्यूमन आर्ट वर्किंग मॉडल है, इसमें ये दिल में जो खून होता है पंप करने में दिखाया गया है, जैसे ये है इसे दबाने पे ऐसे खून ऊपर जाएगा और ये नीला वाला जो लाल और इसमें जो नीला ब्लड है इसे इसमें ऑक्सीजन कम होने वजह से ये नीला दिखता है और ये इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं जिससे रेड हो जाता है। सर ये लेजर सिक्योरिटी अलार्म है, सर ये इधर जाएगा सर यहाँ पर इसकी लाइट आएगी सर, और सर इसके बीच में मतलब कोई भी हैंड रखेंगे सर ये आवाज करता है सर, सर मेरा नाम सुधीर निसाल है और मैं MG इंटर कॉलेज का 9वीं का छात्र हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम डिजिटल ग्लूकोज इंडिकेटर है, जैसे सर कई अस्पतालों में
जो नर्स होती है केयरलेस होती है, तो कहीं चली जाती है, जैसे पेशेंट को ग्लूकोज लगाकर कहीं चली गई, तो अगर ग्लूकोज चढ़ रहा है तो अगर ग्लूकोज जब खत्म हो जाएगा तो एयर बन जाता है, तो जो एयर जाता है अंदर तो मतलब खतरनाक होता है। तो मतलब जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर एक बजर और LED लाइट और ये स्विचेस का कनेक्शन करके एक मॉडल तैयार किया। जैसे ही ग्लूकोज खत्म होगा तो फिर सायरन की आवाज आने लगेगी और लाइट अलर्ट लाइट जल जाएगा।